That's a wonderful wicket, caught well by the keeper, the captain himself. Batsman name? और गणेश बैटिंग पे श्री गणेश करते हुए बड़ी आसानी से एक सिंगल लेते हुए एंड चेंजिंग द स्ट्राइक चेंजिंग द बैट्स एज वेल. द टीम दैट विंस दिस मैच विल एडवांस टू द सेमी फाइनल्स. सो एवरीथिंग टू प्ले फॉर बोथ द टीम्स एंड द प्लेयर्स. ये एक बढ़िया ही कॉटन बोल्ड अटेम्प्ट होता था बट फील्डिंग की दाद देनी पड़ेगी.
और यहां पर आए हैं नए बल्लेबाज अभिषेक। गेंदबाजी पर है एन स्क्वायर यानी नीलेश। गेंदबाजी मार्क पर और बहुत ही अच्छा फिर से थी दरारों में गेंद को पहुंचा दिया एक ताकतवर रनों के लिए। क्या खूबसूरत शॉट, बहुत ही एक कोई मौका नहीं, दोनों ही फील्डरों के बीच में से इतना ताकतवर प्रहार अगर कोई कर सकता है तो क्या बल्लेबाजी है। और इस बार फिर से लॉफ्टेड ओटीटी ओवर द टॉप वन बाउंस इनटू द फेंस फोर चार रनों के लिए। बहुत ही अच्छी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहां पर अभिषेक दो गेंदों पर दो चौके लगाकर बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। और इस बार क्या बेहतरीन शॉट है बल्ले की, क्या बात है, बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल करते हुए बल्ले से किया है हल्ला, पूरा मोहल्ला जाग गया है इनकी बल्लेबाजी से। और ये फुल टॉस गेंद थी और नो भी थी और अंपायर का इशारा नो का और दोनों हाथों को ऊपर करके बताया ये छह रन है यानी कि पूरे सात रन। यहां पर नीलेश काफी अच्छी बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने नीलेश पे पूरा प्रेशर डाला यहां पर दो बैक टू बैक चार रन के बाद यहां पर छह रन। इसे कहते हैं कम बैक। बहुत ही अच्छी गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज, बल्ले से थोड़ा सा दूर रखा गेंद को टर्न किया, बल्लेबाज को डिसीव किया, एक बेहतरीन गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज द्वारा। यहां पर स्कोर हो चुका है सर 55 रन्स और फिर से इस बार तो हिट भी गेंद थी, इसी गेंद को तो ये कभी छोड़ेंगे नहीं अभिषेक। और इसी गेंद पर सिक्स लगाकर अपना स्कोर पूरा किया है, स्कोर का 60 रन सिक्स। सिक्सटी रन हुए सर, 54 था। साठ रन हुए सर यहां पर, 60 रन 54 था सर। साठ तीन ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन। शुभम दोनों बल्लेबाज 26 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। और इस बार क्या कड़क प्रहार है, उतनी ही उमदा फील्डिंग है, बेहतरीन फील्डिंग, काफी अच्छा शॉट बैकफुट से, काफी अच्छे बैकलिफ्ट के साथ बल्लेबाजी करते हुए यहां पर शुभम 27 के निजी स्कोर पर पहुंच चुके हैं। अब है 26 रनों पर खेलते हुए बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। और यहां पर पावरफुल बल्लेबाज ने लिया है पावर गेंद और क्या बात है, बेहतरीन गेंद, बहुत ही जबरदस्त, देखना होगा दूसरे का कॉल है क्या पूरा हो पाएगा। एक पूरा किया है अंपायर ने कहा और दूसरे पर किया है आउट और बल्लेबाज को आउट होकर जाना होगा डग आउट यानी पावर गेंद पर मिलेंगे एक यानी एक का डबल जो कि किया था वादा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। गेट मोर फ्रॉम योर बैंक। आप जा रहे हैं नए बल्लेबाज शुभम नाम के बल्लेबाज को आउट होकर जाना होगा डग आउट की तरफ। प्रसाद नॉन स्ट्राइक पर आए हैं प्रसाद और बहुत ही अच्छी दरारों में खेली हुई शॉट अभिषेक के बल्ले से, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए ऋषिकेश और इस बार काफी अच्छा लेकिन थोड़ी से फंबल हो गए, देखना होगा दूसरे का कॉल है क्या कर पाएंगे। जी नहीं, थोड़े से ज्यादा
ओवर रन कर गए थे, इसलिए दूसरे का मौका ही नहीं मिला। थोड़े से परेशान हुए फील्डर खुद से कि ये क्या हो गया। कभी कभी हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होते रहती है, तो टेंशन नहीं लेना। और अभिषेक के यहां पर रन हो चुके हैं 29 रन्स, यानी मात्र एक रन दूर है अपने रन कोटा से। और काफी अच्छा फिर से ग्राउंड शॉट, और क्या बेहतरीन थ्रो थी, दूसरे का कॉल है लेकिन मना किया यहां पर प्रसाद ने। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहां पर अपने पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां पर दिखाया है दोनों ही खिलाड़ियों ने। और 30 रन के बाद यहां पर रिटायर्ड होंगे अभिषेक। और प्लीज जल्द से जल्द बल्लेबाज रिप्लेस करें सर, इतना वक्त ना ले प्लीज। और अभिषेक के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है, खूबसूरत बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, पूरे समीकरण बदल दिए, पूरे हालात चेंज कर दिए, सब कुछ चेंज कर दिया। और स्कोर हो चुका है सर अब तक 60, प्रसाद प्रसाद इज ऑन अ स्ट्राइक नाउ, और नॉन स्ट्राइक पर है बल्लेबाज, 66 हो चुके हैं सर। ओहो, क्या बात है, क्या बेहतरीन गेंदबाजी है ऋषिकेश, बहुत ही जबरदस्त अपने लेग ब्रेक से रनों पर ब्रेक लगाने में रहे कामयाब, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, आखिरी गेंद डॉट थी। स्कोर हो चुका है सर 66 विद द लॉस ऑफ 3 विकेट, 66 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आकाश प्रसाद है नॉन स्ट्राइक पर है, आकाश स्ट्राइक पर। और आकाश ने काफी ज्यादा आकाश में गेंद को भेज दी है, जिसकी वजह से आउट होकर जाना होगा डग आउट की तरफ। अब आए हैं नए बल्लेबाज विवेक, और इस बार फिर से विवेक ने भी वही गलती कर दी, यहां पर फिर से ओवर हिट कर दी है, जाकर गेंद टकराई है नेट से बल्लेबाज को, आउट होकर जाना होगा डग आउट की तरफ। यहां पर काफी अच्छे गेंदबाजी करते हुए यहां पर गेंदबाज, अब आए हैं नए बल्लेबाज न्यू बैटर नेम सर, बैटर का नाम सर रमाकांत, ओके ओके, अब आए हैं सीनियर प्लेयर। और बहुत ही अच्छा सीनियर प्लेयर ने बहुत ही खूबसूरत शॉट दिखाया है, देखना होगा यहां पर अंपायर से सवाल पूछा है, और रैम्बो ने क्या थ्रो किया है, बेहतरीन प्रेजेंस ऑफ माइंड सर इसे कहते हैं। इंसान के पास दो चीजें होना, जो दो चीजें है, अगर वो खुली हो तो वो काम की होती है, अगर बंद हो तो बोझ होती है, एक छतरी और एक दिमाग, अगर दोनों खुले हैं तो काम के है, वरना अगर बंद है तो बोझ है। तो क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया यहां पर रैम्बो उर्फ रमेश ने, अपील चलती रही सब चलता रहा लेकिन उन्होंने अपना काम किया। और इस बार थोड़ी सी दिशा के हीन गेंदबाजी करते हुए यहां पर गेंदबाज, और ये काफी बेहतरीन शॉट प्रसाद का, खूबसूरत शॉट, गेंदबाज को भी थोड़ा सा दुख हुआ है, थोड़े से खुश हुए हैं, उन्हें ऐसा लगा कि शायद गेंद जाके टॉप मोस्ट ऊपर की नेट पर जरूर लगेगी, लेकिन गेंद काफी बेहतरीन, एक इंजीनियर शॉट अगर कहा जाए तो कम नहीं, एकदम नाप तोल के खेला गया शॉट। ओहो, क्या गेंदबाजी है, स्किड गेंदबाजी, बेहतरीन चरणों में गेंद की है और बेहतरीन गेंदबाजी। अगली गेंद काफी अच्छा बेहतरीन, एक स्लॉग स्वीप खेला है, ओवर की समाप्ति हुई है, कुल स्कोर हुए हैं 75 रन्स। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 75 रन्स विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 75 रन 5 विकेटों के नुकसान पर पांच ओवर के बाद। अब आए हैं आखिरी ओवर लेकर, काफी जिम्मेदारियों के साथ गेंदबाजी करेंगे यहां पर गेंदबाज रोहन। ओहो, रोहन की गेंद पर पहले तो क्या जबरदस्त चहलकदमी, गेंद को बनाया था स्लॉट में और रन लाया है लॉट में 6 रनों के लिए, खूबसूरत था।
क्या बेहतरीन बल्लेबाज, और फिर से इस बार क्या बात है बल्ले की, क्या बात है जबरदस्त बल्लेबाजी, एक उसी तरह की ट्रेडमार्क शॉट, फिर से जाकर गेंद पर काफी लंबा रीच है प्रसाद का यहां पर दिखाया उन्होंने, और क्या बेहतरीन खूबसूरत वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग शॉट मिडल ऑफ द बैट खेला यहां पर। इस बार तो काफी आसान सी, इसे कहते हैं छोटी गेंद खोटी गेंद, और बल्लेबाज के लिए काफी आसान सा इस गेंद को भेज दिया है टर्फ के चोटी पर, बहुत ही बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए। प्रसाद इज नाउ ऑन 26, बहुत ही आसान सा, यहां पर थोड़ा सा लेंथ में परिवर्तन करना होगा गेंदबाज को। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी गेंद, देखना होगा यहां पर अंपायर का इशारे का रहेगा इंतजार, अंपायर का इशारा क्या नो बॉल थी सर, ये नहीं नहीं नो बॉल नहीं थी, नो बॉल नहीं है, थोड़ा सा चहलकदमी किया था सर इसलिए वेस्ट हाइट नो नहीं गई वो, और काफी सटीक नजरिए के साथ, भले ही सर उनकी आंखों पर है चश्मा, कोई नहीं दे सकता उनको चकमा, बहुत ही सटीक अंपायरिंग करते हुए, और एक तो हमारे अंपायर भले चश्मा पहना गोली खाकर अंपायरिंग कर रहे हैं सर, बहुत ही बेहतरीन। और इस बार क्या बेहतरीन शॉट, फिर से अभिषेक आए हैं, और ये तो खतरा हो गया, ये थोड़ा सा खतरा हो गया यहां पर, इसे कहते हैं भाई साहब आगे कुआं पीछे खाई, करे तो क्या करे भाई, अभिषेक ने आया है और जला है, यहां पर मौका मिला उन्हें रिटायर्ड बल्लेबाज को आकर फिर से शॉट खेलने का, और क्या खूबसूरत बेहतरीन मिडल ऑफ द बैट स्ट्रेट शॉट, लेकिन काफी यहां पर, और यहां पर काफी अच्छी इस बार भी लेंथ में थोड़ा सा किया था परिवर्तन, दूसरे का कॉल है, दूसरा करेंगे पूरा, तीसरे का भी यहां पर चांस लेंगे, लेकिन देखना होगा। जी बिल्कुल, भाग्य का साथ बहादुर के साथ 4 रन यहां पर बटोरे, 4 रन यहां पर बटोरे, एक बार तालियां होनी चाहिए हमारे सीनियर प्लेयर के लिए, 4 रन भागना इतना आसान नहीं है सर, इसमें बहुत बड़ा योगदान है, भले ही अभिषेक है लेकिन रमाकांत सर की जो भूमिका थी वो बहुत काबिले तारीफ थी, और यहां पर 103 रन यहां पर बनाए हैं और 104 रनों का विन है यहां पर। आर्केड ने पहले बल्लेबाजी करके 103 रन किए हैं और 104 रनों का लक्ष्य दिया यहां पर दोस्ती ओक को, तो प्लीज जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करें सर, वक्त काफी तेजी से गुजर रहा है, पता नहीं चलता कि थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वक्त की बहुत महत्व है, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि सर रास्ते में चलते चलते पैरों में फिर वही चक्कर आ गया, रास्ते में चलते चलते पैरों में फिर वही चक्कर आ गया, अभी जनवरी गुजरा नहीं था फिर दिसंबर आ गया, तो नहीं पता चलता सर वक्त बहुत तेजी से जा रहा है, बाद में कभी
इस बीच दोस्ती टीम यहां पर 103 रन का टारगेट का पीछा करते हुए और आर्किड डिफेंड करती है 104 रन के टारगेट को। तो देखना होगा एक हमासान सा मैच, एक खूबसूरत सा मैच, एक बेहतरीन सा भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट ब्रॉट यू बाय आईडीएफसी फास्ट बैंक। एक मिनट, यहां पर डेड बॉल, बॉलर नेम सर विवेक जी। विवेक की गेंद काफी खूबसूरत गेंद थी वो, लेकिन बल्लेबाज भी काफी खूबसूरत। यहां पर गेंदबाज पर भारी पड़ा है बल्लेबाज, गेंद गई है सीमा रेखा पार, आया एक ताकतवर षटकार, खूबसूरत शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर योगेश। चार रन है, ओके चार रन है सर, चार रन। और इस बार छोटी गेंद, खोटी गेंद और गेंद गई है सीधा पेड़ की छोटी पर, चार रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट, आला दर्जे का शॉट। इस तरह की गेंद अगर आप देंगे तो गेंदबाज को गेंद नहीं दिखेगी टर्फ के अंदर। और इस बार बल्लेबाज ने गेंदबाज पर बनाया प्रेशर और उसके चलते मिला है और एक एक्स्ट्रा रन, खूबसूरत रन। और फिर से इस बार ओहो काफी अच्छा प्रयास, बेहतरीन प्रयास वहां पर प्रसाद का, लेकिन एक अगर कैच ले लेते तो वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ दिस मैच जरूर कहलाता है, एक गेम चेंजर कैच, क्योंकि एक बहुत बड़ी कहावत है सभी को पता है कि कैचेस विंस द मैचेस। और यहां पर क्या क्विक ग्लव वर्क है, यहां पर अंपायर से सवाल पूछा है, आत्मविश्वास और उल्लास दोनों के साथ, लेकिन अंपायर की काफी सटीक नजरिए के साथ अंपायरिंग, अंपायर ने डिसीजन को काफी आसानी से नकारा, अपने सटीक नजरिए से पूरा मुआयना किया, पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कहा यह नॉट आउट है। और बहुत ही अच्छा, बेहतरीन फिर से चरणों में गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, तेज तर्रारी, एक समझ नहीं पाए बल्लेबाज, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन टाइम को मिस कराया यहां पर बल्लेबाज के गेंदबाज ने। अगली गेंद फुल टॉस लाइन की गेंद थी, फिर से यहां पर अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार, अंपायर का इशारा आता हुआ है, खूबसूरत चारों के लिए, क्या खूबसूरत शॉट, बेहतरीन। और अंपायर का इशारा नो का भी आता हुआ, और इस बार फुल टॉस लाइन की गेंद थी, क्या बेहतरीन वॉलीबॉल एफर्ट है और कैच को किया है कंप्लीट, सफल बल्लेबाज को किया है चलता, ली है बड़ी सफलता, यहां पर टीम वर्क मेक अ ड्रीम वर्क यहां पर दिखाया है, और क्या बेहतरीन टीम वर्क दिखाया है, बहुत ही खूबसूरत कैच। अब आ रहे हैं रमेश उर्फ रैम्बो, बहुत ही बेहतरीन एक शख्सियत है, बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, मेरे ख्याल से फैन फॉलोवर बहुत है सर इनके, इतना तो मेरे ख्याल से यूएसए के अमेरिका के रैम्बो की भी नहीं होगी, क्योंकि बॉम्बे की खुद की इतनी फैन फॉलोवर्स है, आमची मुंबई जो सपनों की नगरी है, तो हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शुक्रिया अदा करेंगे कि जो 14 मई को जो हमारा मेगा फाइनल होगा वो अगर जीतेंगे तो उसके बाद हमें जीतने का मौका मिल रहा है मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों के साथ। और अभिषेक ने क्या कैच को किया है कंप्लीट, गेंदबाज का नाम सर राकेश, राकेश की फिरकी पर बेहतरीन कैच लिया है अभिषेक ने, बहुत ही खूबसूरत कैच। संचित आए हैं नए बल्लेबाज, संचित यहां पर काफी अच्छी गेंदबाजी और क्या बेहतरीन फील्डिंग यहां पर देखने को मिलता हुआ, बेहतरीन टीम वर्क संचित। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर राकेश, ओहो इस बार एक्शन बहुत प्यारा है, लेकिन उतनी टर्न अगर थोड़ी और मिलती तो शायद गेंद जाकर पैड्स पे टकराती। और इस बार काफी अच्छा खेलना चाहते थे, कहीं गेंद गई कहीं और रन आए हैं, एक रन और एक रन से यहां संतुष्ट होंगे दोनों ही बल्लेबाज। अब है मौका यहां पर रैम्बो, और बहुत ही अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंद, उंगलियों को फेरा है, जादुई गेंद, मैजिक बॉल जिसे कहा जाता है, क्योंकि रैम्बो रमेश के सामने अगर आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी।
28 रन हो चुके हैं और इस बार काफी अच्छा कड़क प्रहार, लेकिन उतनी ही कड़क फील्डिंग देखना होगा यहां पर। लेकिन कहते हैं ना, जो अगर नसीब में है वो मिलेगा जरूर, और ये नसीब का है, मिला एक रन। और क्या खूबसूरत फील्डिंग, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उस फील्डर के लिए, बेहतरीन फील्डिंग। और इस बार संचित काफी अच्छा समझदारी से यहां पर कप्तानी पारी यहां पर खेलने की कोशिश होगी और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक यहां पर रैम्बो को देने की कोशिश जरूर होगी यहां पर। और यहां पर ओवर की समाप्ति हुई है, यानी कि तीन ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर हुआ है 29 रन्स विद द लॉस ऑफ 4 विकेट, 29 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब देखना होगा रमेश यानी कि रैम्बो किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं अभिषेक, तेज तर्रारी गेंद पर रैम्बो ने किया है तगड़ा प्रहार और लाया है का खूबसूरत षटकार। क्या खूबसूरत शॉट, बेहतरीन। और इस बार जी बिल्कुल बल्लेबाज के बनाए हुए प्रेशर का रन वाइड, और इस बार कड़क प्रहार लेकिन फ्लैट बैटेड शॉट सीधा फील्डर के दास्तानों में और एक बहुत बड़ी विकेट यहां पर जाती हुई। रमेश आउट होकर जा रहे हैं डगआउट की तरफ, अब उन्हें रिप्लेस करेंगे नए बल्लेबाज नीलेश एन स्क्वायर। देखना होगा गेंदबाजी काफी अच्छी की थी, काफी बेहतरीन गेंदबाजी है इनकी, लेकिन देखना होगा यहां पर बल्लेबाजी में कमाल करना होगा। और जी बिल्कुल कमाल किया है, धमाल किया है, पहली गेंद पर 6 रन से स्वागत किया है यहां पर, अपने आप को साबित किया है बल्लेबाज नीलेश ने। और जी बिल्कुल देखना होगा यहां पर अंपायर का इशारे कर, क्या बेहतरीन जबरदस्त, फिर से यहां पर अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाइए, क्या क्विक ग्लव वर्क है विकेट कीपर। और इस बार ओवर एलिवेटेड शॉट और बल्लेबाज को आउट होकर जाना होगा डग आउट की तरफ, और उन्हें रिप्लेस करेंगे नए बल्लेबाज रोहन। थोड़ी सी मुश्किलों में जरूर यहां पर, अब चाहिए जीत के लिए 14 गेंदों पे एक्स्ट्रा रन, यानी कि अब बड़े प्रहार ही करने होंगे, अब किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। अब स्ट्रेटेजी में सर यही बचा रहता है कि बस मारो, क्योंकि अब यहां से खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। वो एक डायलॉग है ना सर, मर गए तो गम नहीं लेकिन मार दिया तो किसी से कम नहीं, ये चीज है। यहां पर वही चीज अप्लाई होती है क्योंकि इसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ओहो ओहो क्या बात है, इसे कहते हैं भाई साहब भाग्य के साथ बहादुर के साथ बहादुरी दिखाई है, मैच अपने नाम किया है, विजय रथ पर होके सवार निकले हैं अपना बना के खूबसूरत रविवार टीम आर्केड। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम आर्केड एंड ऑल द बेस्ट टू दोस्ती योग, दे हैव प्लेड रियली वेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोनों ही टीमों के लिए, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ।